पावर हाउस चौक बैरागी मोहल्ले के समीप नेशनल हाईवे के किनारे में स्थित शहीद राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमा का रंग रोगन कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के पदाधिकारियों अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत किया गया। शहीदों की प्रतिमाओं के रंग रोगन के लिए जोन 4 के आयुक्त को 2 दिनों का अल्टीमेटम संस्था के पदाधिकारियों ने दिया था। पावर हाउस चौक के समीप नेशनल हाईवे के किनारे कुछ महीनों पूर्व नगर निगम द्वारा शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिनमें से शहीद राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमा को उपेक्षित छोड़ दिया गया था, जिससे शहीदों की प्रतिमाओं पर गंदगी के साथ धूल बैठ गई थी। शहीदों की प्रतिमा के रख रखाव और रंग रोगन को लेकर कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के पदाधिकारियों द्वारा नगर पालिक निगम जोन 4 के आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया था। ज्ञापन में 2 दिनों के भीतर शहीदों की प्रतिमाओं पर रंग रोगन और साफ सफाई किए जाने की मांग की गई थी, अथवा 2 दिनों के उपरांत इस कार्य को संस्था द्वारा खुद ही कर लिए जाने की बातें कही गई थी। जोन 4 के कर्मचारियों द्वारा संस्था की इस मांग को नजरअंदाज कर दिया गया और शहीदों की प्रतिमाओं पर रंग रोगन भी नहीं किया गया। इसी के फलस्वरूप शनिवार को कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के अध्यक्ष सुमन शील के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों द्वारा शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव की प्रतिमा पर रंग रोगन करने का कार्य किया गया। इस दौरान भारत माता की जयकारे के साथ वीर शहीद अमर रहे के जयकारे भी गूंजते रहे। रंग रोगन के उपरांत अब शहीदों की प्रतिमाएं नए स्वरूप में नजर आने लगी हैं। इस अवसर पर कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के अध्यक्ष सुमन शील ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह रंगरोपण इसलिए किया गया था क्योंकि भिलाई के वार्ड क्रमांक 38 सोनिया गांधी नगर के बैरागी मोहल्ला के ठीक सामने निगम प्रशासन के द्वारा 3 मूर्ति हमारे देश के उन शहीदों का रखाया गया था, जिनके द्वारा आज जो हम लोग यहाँ घूम रहे हैं, आज़ादी की तरफ बोल रहे हैं, इन्हीं शहीदों की देन थी, जिसमें शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव जी का प्रतिमा था, जिसे 2 महीने से अधिक समय से जिस बदतर हालत में यहाँ रखा गया था उसको सुधारने के लिए हम लोगों के द्वारा नगर निगम जोन आयुक्त को आवेदन दिया गया था और कहा गया था कि 2 दिन के भीतर इस मूर्ति की रंगरोपण किया जाए, क्योंकि जी रोड के जस्ट किनारे हैं और यहाँ से केवल छत्तीसगढ़ के लोग नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ से आवागमन करते हैं, जिसके चलते यहाँ की भिलाई की जहाँ अपमान हो रहा था वही पूरे भारत देश का अपमान हो रहा था, जिसके तहत में हम लोग ने जो 2 दिन का मोहलत दिया था उसके बावजूद भी आज तीसरा चौथा दिन होने जा रहा है, आज धूप निकला है, इसलिए हम लोगों ने आज आप खुद देख सकते हैं इस मूर्ति की जो रूपरेखा जो उत्तेजित दिख रहा है उससे लोगों को आने वाले प्रेरित करेगा और उसके चलते आज हम लोगों ने मिलकर इसका रंगरोपण किया है और 9 तारीख का इसका विधिवत शिलान्यास उद्घाटन भी इसका करेंगे। और प्रशासन से भी अनुरोध है कि जिस प्रकार की आजू बाजू में जिस गंदगी से इसका अपमान किया जा रहा है उस गंदगी को भी साफ किया जाए, केवल ये कागजी पन्नों पर जो सफाई चल रहा है उस सफाई को भी जो आप गंदगी देख सकते हैं उसका उदाहरण आप यही आजू बाजू को लगा के कर सकते हैं। इस अवसर पर उपस्थित पंडित रविशंकर शुक्ला मार्केट के व्यापारी विजय चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मेरे पीछे जो महापुरुषों की प्रतिमा लगाई गई है पावर हाउस बस स्टैंड के अपोजिट में, वहाँ बिना सौंदर्यीकरण किए प्रतिमा का स्थापन कर दिए लोग वहाँ उस स्थल पर गंदगी फैला रहे हैं, ये महापुरुषों का अपमान है। पहले वहाँ सौंदर्यीकरण हो जाना था, उस जगह को उपयुक्त बना देना था, उसके बाद महापुरुषों की प्रतिमा को वहाँ लगाया जाना था, ये महापुरुषों की प्रतिमा का घोर अपमान हो रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से नगर प्रशासन से आग्रह करूँगा कि पहले वहाँ सौंदर्यीकरण हो जाए, प्रतिमा लगाने योग्य स्थान हो जाए, उसके बाद वहाँ प्रतिमा लगाई जाए। निकट भविष्य में भी इस बात का ध्यान रखेंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। गौरतलब है कि नगर निगम प्रशासन द्वारा पिछले 2 महीनों से शहीदों की प्रतिमाओं को उपेक्षित छोड़ दिया गया था। इसे संज्ञान में लेते हुए संगठन के पदाधिकारियों द्वारा जोन 4 के आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया और कार्य पूर्ण नहीं होने पर स्वयं शहीदों की प्रतिमाओं पर रंग रोगन करने का कार्य किया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे।